वेलकम टू मनीष गुरु। आज 14 दिसंबर स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी कि ESCAP के अनुसार दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया में FDI प्रवाह में 2017 में कितने परसेंट की कमी आई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रतिभूति अपूली न्यायाधिकरण मुंबई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तरुण अग्रवाल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं मणिका बत्रा, यानी इसका करेक्ट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बीओसी पोर्ट तुतिकोरिन बंदरगाह से भारत के पहले कंटेनर मेनलाइन पोत को ध्वजांकित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नितिन गडकरी, यानी कि 4th ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पार्टनर्स फोरम 2018 का उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया श्री नरेंद्र मोदी ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली ने दिनचर्या दैनिक रहन-सहन और ऋतुचर्या मौसमी रहन-सहन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयुषाचार आयोजित किया, इसका उद्देश्य किसको प्रोत्साहन करना था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जन स्वास्थ्य, यानी कि 2nd ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष ICAR द्वारा पंजीकरण के लिए पशुधन और कुक्कुट की कितनी नई नस्लों को मंजूरी दे दी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15 नई नस्लों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इनमें से किस भारतीय स्टार्टअप को सम्मानित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हेल्प अस ग्रीन को, यानी इसका करेक्ट आंसर है 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने म्यांमार के किसानों के लिए विकसित एक कौन सा वेब पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है और कृषि अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और जैव पार्क समर्पित किया है? तो ये समर्पित किया है मोबाइल ऐप, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत द्वारा सहायता प्राप्त कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र ACAR परियोजना किस देश की जनता को समर्पित किए हैं? तो ये समर्पित किए हैं म्यांमार को, यानी इसका करेक्ट आंसर है 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जोरमथंगा 15 दिसंबर को इनमें से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोरमथंगा जो है नए मुख्यमंत्री जो बनेंगे ये बनेंगे मिजोरम के, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, के चंद्रशेखर राव ने दूसरी बार इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो के चंद्रशेखर राव जो हैं ये मुख्यमंत्री बने हैं तेलंगाना के, यानी इसका करेक्ट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? तो कमलनाथ जो है ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर है 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणिमा सिन्हा किस अभियान की शुरुआत करेंगी? तो ये माउंट बिनशन अभियान की शुरुआत करेंगी, यानी इसका करेक्ट आंसर है 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने 13 दिसंबर 2018 से भारतीय पर्यटकों के लिए आगमन पर वीजा सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है? तो निर्णय लिया है म्यांमार सरकार ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष के लिए भारत का मानव मिशन इसरो के लॉन्च वाहन किसका उपयोग करके पूरा किया जाएगा? तो ये पूरा किया जाएगा GSLV MK 3rd, यानी इसका करेक्ट आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत भूषण व्यास, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाता रूट मोबाइल लिमिटेड ने हाल ही में इनमें से किस कंपनी के साथ सहयोग की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है ओरेकल के साथ, यानी इसका करेक्ट आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसका मुकाबला करने के लिए संकट प्रबंधन योजना तैयार किए हैं? तो योजना तैयार की है साइबर हमलों से निपटने के लिए, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो 19 दिसंबर 2018 को श्रीहरिकोटा से संचार उपग्रह कौन सा लॉन्च करेगा? तो संचार उपग्रह का नाम है GSAT-7A, यानी इसका करेक्ट आंसर है 2nd। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक